नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। हल्द्वानी में पुलिस इन दिनों स्पा सेंटर की आड़ में देव व्यापार के धंधे को एक्सपोज करने में लगी हुई है। ऐसे में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने देर शाम दुर्गा सिटी सेंटर के स्पा 19 में छापेमारी की, जहां पुलिस की टीम ने 5 लड़कियों को छुड़ाकर केयरटेकर को मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं स्पा को भी सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक स्पा सेंटर चलाने वाली 2 संचालक मौके से फरार हो गए, जिनके तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। हल्द्वानी में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने देर शाम दुर्गा सिटी सेंटर के स्पा 19 में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस की टीम को स्पा से आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि इस छापेमारी में पुलिस ने मौके से 5 लड़कियों का रेस्क्यू किया है। वहीं एक केयरटेकर को मौके से गिरफ्तार करते हुए स्पा सेंटर को सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू की गई 5 लड़कियों में एक लड़की काठगोदाम, 2 दिनेशपुर और 2 दिल्ली की रहने वाली है, जिन्हें रेस्क्यू करने के बाद 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। इस दौरान एंटी ट्रैफिकिंग सेल की प्रभारी निरीक्षक ललिता पांडे ने बताया कि स्पा सेंटर की संचालिका हल्द्वानी निवासी है, जबकि उसका सगा भतीजा स्पा सेंटर में मैनेजर के रूप में काम कर रहा है, जो कि मौके पर पुलिस को देखते ही वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने सभी 4 आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार के अधिनियम धारा 3, 4, 5, 6 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।